गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। हिंदी के विषय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सभी लोग क्लास 9 कक्षा 9 के हिंदी विषय में उपस्थित हैं, जिसमें पिछले दिनों हम लोगों ने सत्र 2 के पाठ्यक्रम पे चर्चा कर रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अरुण कमल जी की रचना हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, जिस पर पिछले कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम अरुण कमल जी की रचना, नए इलाके में खुशबू रचते हैं आप, नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ, पाठ 15 के अभ्यास कार्य में, जिसकी प्रत्येक कविताओं पर हमने चर्चा कर ली है, भावार्थ शब्दार्थ और कवि के उद्देश्य पे चर्चाएं हो चुकी हैं। हम आज काव्यांश के बचे हुए अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम प्रश्न नंबर 1 के क ख ग पे चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न नंबर घ पे आज हम चर्चा करेंगे। आइए प्रश्न नंबर घ के हम आंसर पे चर्चा करते हैं, उत्तर पे चर्चा करते हैं। प्रश्न है, कवि का बसंत खा गया, पतझड़ और वैशाख खा गया, भादो को लौटा, इस वाक्य से कवि का क्या अभिप्राय है, अभिप्राय का उद्देश्य क्या बताना चाहता है कवि। तो कवि ने स्पष्ट किया, कविता की व्याख्या में हम लोग भावार्थ में चर्चा कर चुके हैं कि समाज में होने वाले परिवर्तन की इस प्रकार की तीव्रता को देखकर कवि को यह आश्चर्य होता है कि इतनी जल्दी इस प्रकार कस्बे में हुआ परिवर्तन असंभव है, किंतु प्रत्यक्ष में उसके सामने वह कार्य संभव हुआ दिखाई दे रहा है, जिस कारण से उसने महसूस किया कि निश्चय ही अगर ऐसा संभव है तो शायद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं ही बहुत समय बाद यहाँ पे लौटा हूँ। कवि ने महसूस किया कि मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं बसंत ऋतु का गया हुआ पतझड़ की ऋतु में लौटा हूँ, अथवा मुझे लगता है कि मैं वैशाख के महीने का गया था बाहर और आज भादव के महीने में लौटा हूँ। तो मेरे बाहर रहने के कारण से मुझे ये सारी चीजें अलग और विपरीत दिखाई दे रही है। इस प्रकार परिवर्तन जो असंभव है वह मेरे शायद भूल के वश के कारण है, भूल के वश के कारण यह परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है। तो आइए हम चर्चा करते हैं उसके आंसर में। बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादो में लौटा, कवि ने क्या से किया। बसंत का गया पतझड़ और वैसाख आ गया का गया भादो को लौटा, लौटा इस वाक्य के द्वारा वाक्य से कवि का अभिप्राय है कि
कविता अभिप्राय है कि कुछ ही समय में इतना अधिक परिवर्तन संभव नहीं है। किंतु ऐसा हुआ है तो निश्चय ही मैं कुछ समय के लिए कुछ समय शायद बसंत ऋतु से बसंत ऋतु में कहीं बाहर गया था बाहर चला गया था अथवा बैसाख के महीने में अथवा बैसाख के महीने का मैं कहीं दूर चला गया था और अब जाकर लौटा हूं जिस कारण मुझे यह परिवर्तन दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। चलिए राइट करिए, इसको जल्दी राइट करिए। प्रश्न नंबर एक के घ का आंसर हो गया है, हम अंग पे आगे चर्चा करेंगे। जल्दी राइट करिए। कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर क्यों इशारा किया है? तो आइए समय की कमी के बारे में चर्चा करेंगे। राइट करिए।
हो गया सबका, जल्दी करिए। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर एक के अंग की ओर। प्रश्न नंबर एक के अंग में हम चलते हैं, ये हो गया सबका। प्रश्न नंबर एक का अंग, कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर क्यों इशारा किया है, आइए चर्चा करते हैं। कवि ने, प्रश्न है, कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर, समय की कमी की ओर क्यों इशारा किया है। क्यों इशारा किया है। कवि ने बताया कि समय की कमी क्यों हो गई, क्योंकि व्यक्ति आज हर जगह परिवर्तन के रूप में चारों ओर परिवर्तन करने की होड़ लगी हुई है। हर व्यक्ति अपने समाज, अपने घर, अपने रूप, अपने परिवेश, अपने स्वभाव परिवर्तन करने में इतना व्यस्त हो चुका है कि वो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी प्राचीन व्यवहार, वो अपनी प्राचीन परिचय, वो प्राचीन संबंध, वो प्राचीन ख्यातियाँ, वो प्राचीन परिस्थितियाँ, वो प्राचीन संबंध, वो सब कुछ भूल चुका है। तो आइए चर्चा करते हैं। प्रश्न है, कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर क्यों इशारा किया है। तो कवि ने इस कविता में समय आते हैं, कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर इसलिए इशारा किया है समय की कमी की ओर इसलिए इशारा किया है क्योंकि आज का मनुष्य अपने जीवन में इतना व्यस्त हो चुका है
इतना व्यस्त हो चुका है कि वह अपनी अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति संस्कृति को भी भूल चुका है, संस्कृति को भी भूल चुका है। आज व्यक्ति का जीवन इतना गतिशील हो गया है कि वह अपने परिचितों को भी भूल चुका है। परिचितों को भी भूल चुका है। इस प्रकार ऐसे वातावरण को देखकर ऐसे परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि आज सभी के पास समय का अभाव हो गया है। सभी के पास समय का अभाव हो गया है। राइट करिए, जल्दी करिए। फिर चलते हैं च में। एक क्वेश्चन हुआ कि है च
प्रश्न नंबर एक के अगले अंतिम क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक का चलो एक का चल प्रश्न है, इस कविता में कवि ने शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत किया है? इस कविता में कवि ने इस कविता में कवि ने कविता में कवि ने शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत किया है? शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत किया है? इस कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि स्पष्ट किया है कि नगरों व शहरों में नवीन निर्माण व एक दूसरे के आगे निकलने की ओर शहरों में नवीन निर्माण एवं एक दूसरे को पीछे करने की होड़ने एक दूसरे को पीछे करने की होड़ ने मनुष्य का मनुष्य के प्रति संवेदनशीलता के प्रति संवेदनशीलता और आत्मीयता समाप्त कर दी है। आत्मीयता समाप्त कर दी है आज यदि कोई व्यक्ति सहयोग के लिए किसी के दरबार करके
किसी के घर के दरवाजे को खटखटाता है, खटखटाता है तो लोग व्यस्तता का बहाना करके उसे धिक्कार देते हैं। कवि ने सर्वों की किसी विडंबना की ओर संकेत किया है, संकेत किया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।